दीवान जी, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम कल चंचल पास विजिट करके आए। आज हम निकले हैं चंद्रनहान लेक ट्रैक के पहले कैंपिंग पॉइंट यानी कि दयारा थाच के ट्रैक के लिए। हम दयारा से ही वापस आएंगे क्योंकि ट्रिप के दिन एज यूजुअली कम पड़ गए। डे 4 शुरू हो गया हम लोग का, 4th अक्टूबर। और हम लोग अभी निकल लिए हैं जांगलिक के लिए। कैब बुक कर ली थी, कैब जहाँ से बुक की थी उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बात करके उनसे कैब बुक कर सकते हो। सुबह करीब 5:45 हम लोग निकले थे और अभी 6:30 बज रहा है। और ये जगह कौन सी है भैया? धमाड़ी। धमाड़ी। और यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा आगे वहाँ पहुँचने में? 1.25 घंटे करीब अभी लगेगा जांगलिक पहुँचने में। रास्ता टीकरी तक कल वाला ही रास्ता है जो हम चंचल पास गए थे। टीकरी के आगे हम पहली बार जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज हम जांगलिक विलेज जा रहे हैं जो कि पब्बर वैली का लास्ट मोटरेबल विलेज है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जांगलिक तक मोस्टली सिर्फ 4x4 कार्स ही जाती हैं क्योंकि रोड कंडीशंस बहुत 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 ख़राब हैं। इसलिए हम लोगों ने अपनी कार रोहरू के होटल में ही पार्क करके लोकली जीप रेंट कर ली। भाई साहब इतनी सुंदर जगह, ये देखिए भाई, ये तो अल्टीमेट ही है पूरा। ओए 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 ओए। और यहाँ पर नदी बह रही है, नदी की आवाज आ रही है लेकिन गहरा इतना है कि दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। बेहतरीन। अभी तो जांगलिक पहुँचे नहीं है, 7:50 हो रहा है। जांगलिक मेरे ख्याल से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, अब फिर करेंगे हम लोग ट्रैक शुरू। हेलो, आ जाओ भाई ब्रेकफास्ट। ये हम 8 बजे पहुंच गए। हेलो, आओ इसी बात पे। अरे तुम्हारे तो ये हम पहुंच गए। बहुत ही ज्यादा ऑसम राइड रही हमारी, रोलर कोस्टर काइंड ऑफ। हां बस पेट के अंदर थोड़ी तहरी सी बन गई है। ये है आशीष हमारे ट्रैक लीड आज के। गुड मॉर्निंग। हाइक इन हिमालय कंपनी है इनकी, उसके थ्रू इन्होंने बुक कराया। सारा डिटेल, कॉन्टैक्ट का जो भी डिटेल है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन। शूज उतार दो यहाँ पर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम से चलो, अब ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं, उसके बाद मेन यहाँ से ट्रैक की शुरुआत करते हैं करीब 8:30 बजे तक। चलो भैया, हमारा ट्रैक लीड सीटी बजा चुका है, हम लोग जा रहे हैं, इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और देखते हैं क्या पता चलता है नया। गुड मॉर्निंग। बढ़िया जो हमारा आज का ट्रैक है, हम यहाँ से जांगलिक से स्टार्ट करेंगे। 7 किलोमीटर चलना है हमें। सारा ऐसे रॉकी एरिया है, हल्का रॉकी एरिया, मोरेन वाला है, प्लेन है,
अच्छा है, जंगल अच्छे है, अच्छी ट्रिप कौन सी अच्छी मिलेगी आपको पीछे। तो सारा ट्रैक 4 या 5 घंटे का ट्रैक है, ऑलमोस्ट मजे करेगी। जो हमारा रेस्ट पॉइंट आएगा, स्टे पॉइंट, जहाँ पे हम हर 15 मिनट या 25 मिनट के बाद हम रेस्ट लेंगे, ओनली 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा। अभी चलना शुरू कर रहे हैं हम लोग 10:05 पे। स्लो वाले चलेगा सबसे आगे। चलना चढ़ाई में बेबी स्टेप स्टेप लेके चलना, बस कोई जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे। ओ भाई क्या? अबे मैरवाना। ओ भाई हो रहा है, हम लोग पहले रेस्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं। कितने किलोमीटर हुए? अभी तो हाल अभी भाई 5-6 घंटे का ट्रैक है। अभी मान के चलो अभी हम लोग आधे घंटे चले हैं। आधे घंटे हो गया है। हो गया आधा घंटा तो पहला रेस्ट स्टॉप हम लोगों ने लिया है। एक्चुअली इस ट्रैक का जो स्टार्टिंग का जो एक घंटे के करीब है ना, वो सबसे टफ पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हम ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये जंगल्स का ट्रैक आएगा, तो वो रास्ता थोड़ा टफ पड़ता है। तो रेस्ट स्टॉप भले ही पहला हो, पर हम लोग रुके, एक एक मिनट के लिए रुक रहे थे पैर को आराम देने के लिए। और इतने फिट सामान मत लेके आओ बस। अब आशीष की तरह हम लोग इतने फिट तो है नहीं। अच्छा क्योंकि आजकल तो एक्चुअली अपने आप ही पानी जो सूख जाता है, क्योंकि सूखा पड़ गया, सारे जो वाटरफॉल निकल रहे हैं वहाँ पे इस साइड। अच्छा अच्छा, इस साइड को और इस साइड। अबे सेवन वाटरफॉल्स, किस तरह जगह का नाम है सेवन वाटरफॉल्स? नीचे सेवन वाटरफॉल्स, सेवन वाटरफॉल्स। अगस्त के महीने में सर, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा बारिश होती है। जी सर, उस टाइम आगे जाके गिरते झरने वाटरफॉल आगे। तो अगस्त में यहाँ कोई ट्रैक करता है? जी सर, ट्रैक तो करते हैं। टफ रहता होगा उस टाइम सर? 15 अगस्त के बाद ट्रैक चालू होता सर। अच्छा, क्योंकि सर विंटर में हम स्कीइंग वगैरह कराते हैं। अच्छा, स्कीइंग बोर्डिंग वगैरह सब कुछ कराते हैं। स्नो ट्रैक थोड़ा कठिन रहता है। हाँ। पूरे में स्नो रहती है सर यहाँ पे। यहाँ तो गांव में 4-5 फीट बर्फ गिरती है। फिर तो सर आगे यहाँ पे कुछ साइड बह रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्कीइंग के लिए तो ज़्यादा बर्फ चाहिए। हाँ। और चंद्र नहान लेक में तो शायद पूरे 12 महीने थोड़ी बहुत बर्फ मिल जाती है ना? सब मिल जाता है सर, ग्लेशियर मिल जाता है सर वहाँ पे। ऑल गुड, ट्रैक कर रहे हैं जोश। और क्या, रखो अपना, हमने मिशन पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। सही बात। ये यहाँ लोकल वाले आड़ू हैं, ये कच्चे हैं अभी। अच्छा, सर बैम कहते हैं। ये पानी भर लो यहाँ पर आओ। एकदम ठंडा ठंडा पानी भाई। मजा आ गया भाई, एकदम रिफ्रेशिंग पानी है। मेरे लिए बॉटल में। सेकंड रेस्ट स्टॉप के बाद वापस चलना शुरू कर दिया है। अभी 1 किलोमीटर के आसपास हुआ है, 6 किलोमीटर और बचा हुआ है, करीब
चार घंटे तो मान के ही चल रहे हैं हम लोग, एक घंटे के करीब का ट्रैक अभी कंप्लीट हुआ है। सो फार सो गुड। थोड़ी चढ़ाइयाँ थी शुरू में, क्योंकि अब क्योंकि ऊपर जाना है तो चढ़ाई तो कहीं ना कहीं आएगी, तो वो चट्टानें जो चढ़नी थी थोड़ा पैर में ज़ोर आता है क्योंकि हम लोग रेगुलर ट्रैकर्स तो हैं नहीं, पर ठीक है, एक बार चढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। चलो चलते हैं आगे, आप पेड़ पर रख दो। हाँ बस, कोई कांटा वांटा नहीं, आराम से हाथ रख देना ज़मीन पर। भाई ये एक अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए, अगर आप आना चाहते हो तो, अभी तक मुझे तो नहीं पता था, मुझे यहीं आके पता चला कि एक मैगी शॉप भी है, तो चाय मैगी वगैरह ऑमलेट वगैरह वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत ऑसम जगह है यार, बहुत पछताते अगर हम लोग रोहरू से वापस चले जाते तो। घूम रही है आवाज, भालू आ जाएगा क्या है? भालू आएगा, वीडियो में आएगा, हम तो मरने से पहले आखिरी वीडियो जो है तू पोस्ट कौन करेगा? कुएं में जाके बॉटल भरनी है। भाई साहब कहाँ से भरे थे? वो गड्ढा से गिरेगा, मतलब कुआं है ये, इस तरीके से निकालना कि पीछे की मिट्टी ना निकले। अच्छा बेहतरीन, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी, मीठा मीठा, अब मज़ा पिएंगे पहले। हमारे स्लीपिंग बैग जा रहे हैं, टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने का सामान, सिलेंडर सब जा रहा है। हम लोग अभी काफ़ी जो रॉकी वाला ट्रैक था, रॉकी क्या मतलब, थोड़ा खुला खुला सा जो ट्रैक था वो कंप्लीट करके अब आगे जो जंगल के अंदर से जो ट्रैक जा रही है, ट्रेल जा रही है, उसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। यार फीलिंग ये लग रही है यहाँ की, ओह देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है। वाह भाई, यहाँ पे संभल के चलना, आगे खाई है किसी जगह पतला सा हल्का सा, बस आप इसी से निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं। वाह ऐसा गजब, दिस इज हेवन। पहला हम लोगों का रियल हिमालयन ट्रैक और इतना ऑसम। इमेजिनेशन जो होती हैं किसी ट्रैक को लेके कि ऐसा होगा, इतना सुंदर होगा, तो वो इमेजिनेशन जो हैं वो ये ट्रैक जो है वो एकदम रियलिटी बना रहा है हमारी।
हेलो कैंप आ गया पूरा। सुबह का व्यू वो देखो, हम जहाँ से आए हैं वो रास्ता देखो एक बार। वहीं से आए हैं हम पक्का ना, वहीं से आए। कैंप है, दो कैंप हमने लिए, एक में तीन लोग एक में दो लोग, काफ़ी रिलैक्सिंग। ये सारा सामान हम लोग का जो है वो पीछे सब सेट हो जाएगा। और अभी 3 बजे का मौसम बहुत ही जल्दी बदल रहा है। मतलब 5 मिनट लगता है कि बारिश होने वाली है, होती भी है थोड़ी थोड़ी, फिर एकदम से धूप निकल आती है, फिर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, यहां का वेदर बहुत जल्दी बदलता है। और अभी तो धूप निकली है, जितना बॉडी में पेन हो रहा था ना वो सब अभी गायब होना शुरू हो गया। स्लीपिंग बैग वगैरह सब हैं। Paradise, cool. अलग ही लेवल की बवाल जगह है। कहाँ थी ये जन्नत अभी तक? इतने पास पहाड़, इतने बड़े बड़े धौलाधार रेंज। बज के 10 मिनट पर हम लोग अब डाउन ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं वापस जांगलिक विलेज के लिए। तो भाई लोग, ट्रैक हो गया है कंप्लीट। अब 12:10 पे वही जो नॉर्मल सब लोग बोलते हैं कि 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे के आसपास ही लग गए हम लोगों को। फिर हम वापस निकल गए रोहरू के होटल से कार पिक करके नालदेहरा नाम की जगह पर, जहाँ ये हमारा होटल था। उसके बाद हमारी ट्रिप का हुआ एंड और हम निकल गए अपने शहर नोएडा।